उसमें एक वॉइस निकली, वो वॉइस बहुत बढ़िया, वो वॉइस तो चीज रियल चीज है डांस, हां डांसिंग का। ओह ये वाओ, ये वॉइस, ये वॉइस के लिए मैं अपने Hi, hello, welcome to our channel Vino Swayesh. We are at Ross Island. We are glad to meet the legendary Anuradha Rao ji, the island badge holder. World calls her Mother Teresa of Ross Island. Her family includes 520 deers, 250 peacocks, 1000 squirrels, rabbits and many more to which she can communicate. Some call this island as abandoned. The other side, there are many film shoots that happen here. But we are gonna witness the island through her eye. Let's find out the history of Ross Island and witness the bonding with her family. ये बहुत खूबसूरत आइलैंड थे। Okay. 1740 में ये आइलैंड 200 एकर्स के थे, अभी ये 70 एकर्स का है। Oh, okay. 70 acres. It is because of tsunami. No. Second World War. 1942 Japanese came. 1944 Second World War. Okay. उसमें वो bombing किया तो earthquake आया. Oh. 130 acres and crack होके चला गया, पूरा सीन समझ हो गया। Okay. उस समय नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ, लोग आधे देखे गए आधा गया, सुनामी है कि पूरा समझ कर दिया पूरा का पूरा। यानी सुनामी का रियल है जब 200 फीट पीछे हिट करके नीचे गिर के दो टुकड़े में डिवाइड होकर फुट गया, फिर वहां से वापस भी आया। जब वापस रिटर्न आया, ये सारे वॉल तोड़कर सारे स्ट्रक्चर के ऊपर से वहां तक पानी भरा। ओके। वहां तक 70 एकर्स का हो गया। ओके। हम इसे 45 मिनट्स के अंदर राउंडिंग करके देख सकते हैं। मैं इस आइलैंड की फोर्थ जनरेशन हूँ, ये मेरे पिता का जन्म स्थान है। ओके। मैं बहुत ही स्मॉल बेबी, छोटी बेबी से इधर आती हूँ, मेरा संबंध बहुत सुंदर है। वन मोर थिंग, आई हर्ड दैट यू कैन इवन टॉक टू एनिमल्स, नॉट जस्ट डियर्स बट आल्सो स्क्विरल्स एज वेल। ओके। परी आ जा, मैं पर परी रानू सो देयर नेम इज परी, परी एंड रानी, पानी परी एंड रानी। ओके। So you're friends with every one of them. Awesome. So it has any name, ma'am? Haan, Baba. His name is Baba. His name is Okay.
सोनाली बाबा चिकलेट ओके बट बहुत दुख का बात है okay. जब मैं छोटी थी तो लोग इसका हंटिंग करते थे ओनली फॉर 15 years को 1987 डिफेंस के हेल्प से मैंने 500 MBBS का अम्मा कुछ जगह की काको आप खिला नहीं सकते सर ये रहे प्रिंटी पावर हाउस 18th सेंचुरी के ओके डीजल जनरेटर ओके आज पूरे अंडमान निकोबार में इलेक्ट्रिसिटी डीजल का ही है ये जो ट्री है 75 इयर्स का ट्री है okay. ये ट्री पहले ऊपर है उसके बाद इसके रूट्स नीचे है ये रहा प्रिंटिंग प्रेस okay. उस जमाने इस पेपर के नाम थे डेली इंग्लिश वन पेज और ये पेपर क्लोज नहीं हुआ आज भी चल रहा है 1947 इसे पोर्टबेल शिफ्ट किया आज के तारीख में इसका नाम है द डेली टेलीग्राम इंग्लिश हिंदी दोनों में चल रही है और ये ट्री है 95 इयर्स का wow. अगर आप ये ट्री निकालोगे बिल्डिंग गिर जाएगा और ये बिल्डिंग कोई ऑर्डिनरी बिल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं है आम स्ट्रक्चर से अलग है फर्स्ट ब्रिक्स वॉल आयरन प्लेट्स एंड ब्रिक्स वॉल आयरन वॉशर बोल्ट एंड नट से बना हुआ है wow. लोगों ने सारे नट बोल्ट निकाल दिए इससे गिर जा रहा है पेड़ सेफ कर रहा है ओके लॉट ऑफ इंजीनियरिंग हम लोग बहुत ही प्री प्लानिंग बिल्डिंग बनाए बहुत थे बहुत इंटेलिजेंट थे ब्रिटिश लोग ओके पूरा प्लानिंग सिस्टम सब कुछ तैयार किया इन लोगों ने ओके इंग्लैंड से लाया गया 1740 इलेक्ट्रिसिटी ने इसका यूज के इस्तेमाल किया इसे इंक्रीज के लाया गया 1740 ये स्टीम बॉयलर यहाँ पहुंचा सी वाटर को स्टीम और फिल्टर कर बाजू की लाइन को लेकर डिस्टिल वाटर की मशीन डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट कर देते 1740 इलेक्ट्रिसिटी में तो इन लोगों ने इस पानी को स्टीम करने के लिए उड फायर का इस्तेमाल किया ये रहे फायरिंग पॉइंट आग जल गिरेगा और सारे फिल्टर में सी वाटर आग जलेगा फिल्टर का पानी स्टीम होगा फिर बॉयल होगा जब वो बॉयल होता है तो भाप निकलता है भाप को रोक कर पानी बनाकर सारे बॉयलर के पानी को ये ट्यूब के थ्रू उस रूम में लेकर डिस्टिल वाटर की मशीन डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट करके यूज करते थे कारण उनको अंडमान निकोबार में स्किन डिजीज होते हैं स्किन डिजीज से दो चीज़ें डर जाता है पहला मॉस्किटो दूसरा पानी यहाँ के पानी से स्किन डिजीज भी डेथ हो जाती है मच्छर काटे मलेरिया मर जाते हैं इसलिए इन लोगों ने अपना स्विमिंग पूल भी सॉल्ट वाटर का बनाया पर आजी भैया अपने आप साफ होगा अपने आप पानी भरेगा तो अपने आप साफ होकर अपने आप पानी कैसे भरेगा इसकी डीपनेस है 2 feet, 3 feet, 4 feet और ये सॉल्ट वाटर का जब भी समुद्र में हाइटेड होगा इसमें 4 बॉक्स लगे उसको ओपन करे सारा सी वाटर अपने आप अंदर आएगा और जब ये भर जाए उसको बंद करते स्विमिंग करने के बाद जब इसमें डस्ट आ जाए लो टाइट पर कैप को ओपन कीजिए पानी अपने आप आ जाए इतना सुंदर से काम करते हैं तो अच्छा ये जितने होल देखे ना देखो नट बोल्ट निकाल दिया गया ओके फर्स्ट ब्रिक्स वॉल आयरन प्लेट ब्रिक्स वॉल आयरन वॉशर एंड बोल्ट एंड नट 1987 के डिफेंस को देने के बाद सीमेंट भर के लकड़ी भर के उसको सेफ किया गया पूरे को सेव करके रखा गया ताकि ये बिल्डिंग लॉन्ग टाइम तक चल सके इसको पेड़ ने भी बचा रखा है ओके तो जब सारे वो सारे नट बोल्ट निकाल दिए ओके चल बेबी स्टूडियो बेबी ओके इज अ स्मॉल बेबी फाइव फोर डेज बेबी दिस वन फोर डेज बेबी एक ही बच्चा देते 4 दिन का बच्चा फंसे सामने जाता ना वो 4 डेज का सिर्फ एक ही बच्चा वही 4 डेज का ओके आज इसका 4th day है वाओ डिड यू नेम इट अभी नेम नहीं रखा इसका ओके पता नहीं रहेगा अभी नहीं रहेगा क्यों मैम लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स है एक ही बच्चा देते 2 बच्चे कभी दिए नहीं ओके हां जब बच्चा हुआ तो मैं इधर थी ऊपर शाम छोटा सा है ना देखो ये 7 डेज का है ओके लोग पहले खाने को नहीं मिलता था ना सी वाटर सब खाते थे ईश्वर इन लोग को दया करा ईश्वर इन लोग का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया आप कितना भी अच्छा देखभाल करो इन लोग कभी 2 बच्चे नहीं देंगे एक बच्चा देंगे वो बच्चा को भी आप ध्यान रखना ओके नहीं रखोगे तो हमारा बच्चा का जाएगा ओके ओ
ये रहा कर्नल एडिसन सप्लाई ऑफिसर, और जो व्हाइट बिल्डिंग है ना, अंग्रेज के जमाने की बेकरी है, वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर, उसकी छत दरवाजे टाइल्स नए हैं, बाकी सारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर उसी जमाने की है। अब उसे लाइसेंस ऑन के लिए दे दिया गया, अभी लाइसेंस नहीं चल रहा, खराब हो गया। मक्खन मारो, नहीं देता नहीं से से कोई डांस, आ जाओ सब जल्दी आ जाओ मारा मारी नहीं करना कोई, जल्दी जल्दी। पब्लिक ना स्टोन थ्रो कर रहा है उसके ऊपर। ओह माय गॉड, एक पिकॉक का पैर पंख टूट गया, एक का पैर तोड़ दिया, तकलीफ में है। ओके 2 महीने के ट्रीटमेंट कर दिया मैंने, और सेट नहीं हुआ पंख। ओके, वेयर यू कैन, यू विल ऑन टेक केयर ऑफ द ट्रीटमेंट? ओके, यू कैन टेक केयर। डॉक्टर को कॉल करके इसको ला दे, बहुत इमरजेंसी डॉक्टर बुलाऊंगी। ओके, आ आ आ आ आ आ आ, इसमें ईस्ट नहीं है। ओके, ये स्पेशल ब्रेड है। ओके, अगर आप जो ब्रेड हम लोग खाते दोगे ना, इनको स्किन डिजीज हो जाएगी, मर जाएंगे ये लोग। Okay. मैं वेजिटेबल कैरी नहीं कर सकती, मैं रूम में रखती हूँ वेजिटेबल। okay. उसको कैरी करना बहुत मुश्किल होता है, कभी ज्यादा गैस, कभी पूरा कमती गैस हो जाता है। okay. इसलिए मैं इसको बना के लाती हूँ, मेडिसिन देने के लिए, सब देने के लिए बहुत इजी होता है मेरे को। okay. 2 दिन से नहीं कर रहे, पब्लिक जब से लोगों को पत्थर मारा ना, शाम को 10-4 बजे, नहीं तो 1:30 से लेकर 2:30 के बीच में इनको कराती करते बराबर। 2 डेज हो गया नहीं, जब से पत्थर मारा तब से कोई भी घुटन नहीं नाचता। मैं 5 मुर्गी को बुलाऊंगी, मुर्ग को बुलाऊंगी, नाचना शुरू कर देते हैं, यही जगह पे नाचते हैं, इसलिए मैं इनको यही लेकर आई। मगर घूमने के लिए ये वाला नाचेगी रेडी में। इसमें एक वॉइस दिखेगा, वॉइस बहुत बढ़िया, वो वॉइस तो चीज है, रियल चीज है डांस का, डांसिंग का। बैकपोशन भी कितना सुंदर है ना। ये वॉइस के लिए मैं आपको रुक रही थी। हेलो हेलो, उठाओ, हाँ उठाओ, मैं इनकी मदर हूँ। मैं मन क्वेश्चन, सो हाउ डू वी कंट्रीब्यूट? मैम कोई पैसा नहीं देता है, कोई हमको वहाँ जाके भेजता है मेरे अकाउंट में। ओके, और कोई दोस्त, कोई हमको मेरा अकाउंट नंबर मिस हो जाता है तो उसको फ्रेंड लोग बैंक बैलेंस जीरो, कहीं से मेरे को आ जाएगा, मैं हेल्प करती। इसलिए कभी पैसे का ध्यान नहीं दिया, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे एक रोटी चाहिए, वो मेरे को मिलता है, मेरे परिवार फैमिली को भी, मेरा सारा फैमिली मर गया, जो बच्चे घर में रखे हैं मैं उनको अच्छे से पालती हूँ, अच्छे से एजुकेशन ले रहे हैं। मेरा एक मेंटल भाई है मेरे पास, उसको भी पालती हूँ, सबको रखा है मैंने घर, बहुत बड़ा घर है, उसमें भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, मेरे सारे, मेरे 2 पप्पीज है, 1 बुलडॉग है। लोग गवर्नमेंट क्या करा, सब जगह से डॉग को लेके आके ऑपरेशन कर दे, बच्चा देते बोल के,
तो आंसर लोग जहाँ से लाया वहाँ छोड़ा नहीं, मेरा इलाका में छोड़ दिए, सब बेहोश पड़े 20 डॉग। फिर हम सब 20 डॉग उठा के रखे अपने घर के छत के ऊपर रखा, अभी वो 20 डॉग भी मेरे पास, सबको मैंने ट्रेन किया, सब मेरे घर का मेरा पूरा एरिया का सिक्योरिटी वही लोग करते। एक न्यू पर्सन के अंदर एंट्री नहीं दे सकता है। एनिमल्स को अब सिखाओगे, सब सीखते हैं एनिमल्स को। Okay. उसके साथ रखे वहाँ पर जो भी रात में भी कोई नया आदमी आएगा, भौ भौ एक भौ बोले बस, सब भौ भौ सब कुछ नहीं, बहुत गुस्सा करती है सब करने अल्टा करते, इसलिए सब मेरे को कॉपरेट करते, कोई कुछ नहीं बोलता चुप। मैं अपना काम करने के लिए आऊँगी, फिर रात में वापस जाऊँगी, कोई मेरे घर के अंदर एंट्री में मेडिसिन का प्लांटेशन फ्लावर सब लगा रखा अपने घर में, कोई इसको डिस्टर्ब नहीं करता। लोग कॉपरेट करते तभी तो हम भी कर सकते, वो हमको कराता है, बोलना पड़ता है, लोग देखते मैं किसी को कुछ नहीं करती, इसलिए मेरा मकसद पैसा जमा करना नहीं, मेरे को पैसा की इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को अभी दिल को दर्द होता है, इनको सेव कर सकता हूँ, किसको दूँ, कौन को बोलूँ, देखो कोई देखने वाला नहीं, डिफेंस के पास डिफेंस देखिएगा। ओके, पता है मेरे को बहुत दिल को दर्द होता है, इतना बड़ा बड़ा अवार्ड देता लोग मेरे को बुला के, फिल्म स्टार लोग अवार्ड दिए, वुमेंस डे में अवार्ड मिला कि मैं इतने एनिमल्स की मदर हूँ बोल के, फायदा नहीं, इसको देखने के लिए कोई हम देखेगा सकते कोई नहीं बोलता, वो अवार्ड लेके मैं क्या करूँगी। While she talked about the rest of the island, I was not able to believe what happened on the island today. It was a straight away scene from a tale directed by Disney Creations, being between the animals, seeing them able to communicate. I was awestruck, spellbound, can't confine my feeling in one single word. Most unexpected day of my life. I felt I was blessed to meet and know about the island through Anuradha Rao ji. A heartfelt thanks to Anuradha Rao ma'am. For the tourists, a humble request, don't throw stones nor participate in any sort of hurtful actions to the creatures on the island, and do contribute for the good cause if possible. Moving on from the island, from Ross Island you can also stretch to reach North Bay Island. This island image can be spotted on the backside of old 20 rupees notes. You can also explore Samudrika Naval Marine Museum in Port Blair, experience the sunset in Chidiya Tapu, must try night kayaking to experience the bioluminous between the mangroves by Nat Geo record holder Tanas and his brother Shiraj, do some shopping, visit a movie, and based on your time permits, explore all these. Wrapping our Andaman journey, the Andaman archipelago is a masterpiece of a tropical paradise that comes straight out of a dream picture postcard. Me and you, now as us, can tell for sure that it did make a great story for anyone seeing our Andaman travel series vlogs back at home, about how we captured mesmerizing memories, and can't agree more that nature is human's world best teacher. Signing off, yours Vinos Voyage. Please like, share, subscribe to our channel Vinos Voyage. Keep motivating and supporting by subscribing to our channel.